मिशन शक्ति की सफलता पर मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि 2014 में पीएम मोदी की अनुमति के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। यह हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब न केवल हम अंतरिक्ष शक्ति बन गए हैं, बल्कि अब हम उन देशों की सूची में शामिल हो गए हैं जिनके पास ऐसी ताकत है। इसी के साथ अब भारत भी चौथी बड़ी शक्ति बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कल के युद्ध अलग थे और आने वाले युद्ध अलग होंगे। नितिन गडकरी ने भी वैज्ञानिकों को मिशन शक्ति की सफलता पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि भारत तेजी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है। भारत सिर्फ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि विज्ञान क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी मिशन की सफलता पर कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज भारत एक बड़ी अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभर रहा है, जिसके लिए विशेष रूप से सभी वैज्ञानिक और प्रधानमंत्री प्रशंसा के पात्र हैं। मैं इस सफलता के लिए वैज्ञानिकों और प्रधानमंत्री की सराहना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मिशन में शामिल सभी वैज्ञानिकों को बुलाकर बधाई दी। मशहूर गायिका लता मंगेशकर ने भी मिशन शक्ति की कामयाबी पर खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मिशन शक्ति की कामयाबी पर मैं हमारे वैज्ञानिकों का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करती हूँ। वंदे मातरम। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपना महत्वपूर्ण संदेश देते हुए खुलासा किया कि भारत ने आज लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे एक लाइव सैटेलाइट को दूसरे सैटेलाइट के जरिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल से मार्च गिराया। पीएम मोदी ने संदेश के शुरुआत में ही कहा, आज भारत ने अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में दर्ज कर लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब तक तीन देशों अमेरिका, रूस और चीन को ही उपलब्धि हासिल है। इस सूची में अब भारत का नाम भी शामिल हो गया है। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे लाइव सैटेलाइट को मार्च गिराया है। यह एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था। उसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल द्वारा मार्च गिराया और महज 3 मिनट में इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया।